स्वराज अभियान की अगुवाई कर रहे योगेंद्र यादव ने मतदाताओं से देश के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ नोटा का बटन दबाने की अपील की है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम कर रही है। आज अभियान के प्रमुख और एक अच्छे सैफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं। सर, लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन जो है किसी तरीके से किसी विचारधारा को लेकर नहीं चल रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, वो भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने प्रत्याशी उतार रही है, देश हित में नहीं है। आप नोटा की अपील कर रहे हैं। स्वराज इंडिया ने बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश के लिए खतरा है। हमें ये भी कहा है कि ये जो महागठबंधन बना है, इसके पास तो कोई वैकल्पिक दृष्टि नहीं है, विचार नहीं है, चेहरा नहीं है, इसलिए हमें विकल्प की तलाश है। लेकिन दिल्ली में ना कोई ऐसी बड़ी पार्टी दिखाई देती है, ना कोई कैंडिडेट दिखाई देता है जिसके बारे में हम कह सकें कि हाँ, ये विकल्प पेश कर सकते हैं। इसलिए हमने दिल्ली की जनता से नोटा का बटन दबाने की अपील की है, क्योंकि चुनाव में हमारी आस्था है, लोकतंत्र में आस्था है। हम कहते हैं वोट देने जरूर जाइए, नोटा का जो संवैधानिक विकल्प आपको मिला है उसका इस्तेमाल कीजिए। कि ये चुनाव आयोग अपनी साख, पिछले 30 साल में अर्जित की हुई साख को धूल में क्यों मिला रहा है? और मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ, मैंने सब चुनाव आयोग देखे हैं, शेषन जी के ज़माने से लेके आज तक, इतनी बुरी अवस्था मैंने कभी नहीं देखी। इतना कमजोर, इतना लचर, इतना असहाय चुनाव आयोग मैंने कहीं नहीं देखा। और अगर चुनाव आयोग को लगता है कि आप इतने असहाय हो, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? सर, तो चुनाव आयोग बेहद कमज़ोर बताया जा रहा है योगेंद्र यादव की तरफ से। एक बड़े सैफोलॉजिस्ट रह चुके हैं देश में, किस तरीके से मतदान हो, किस तरीके से निष्पक्ष मतदान हो, और किस तरीके से एक राजनीतिक पार्टी को बिहेव करना चाहिए, इस बारे में एक बड़ी समझ रखते हैं। लेकिन योगेंद्र यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल चुनाव आयोग अभी लचर हालत में है और बदलाव की ज़रूरत है, शक्तिकरण की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV।